हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर है फ्रैक्शन। बिन में हम जो इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे वो आपका रेलवे, एसएससी, ईटीसी, इन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, रेलवे, पटवारी, कांस्टेबल, जीडी, इन सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर के लिए ये जो आज हम वीडियो लेक्चर में करेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बैंकिंग सेक्टर के लिए फ्रैक्शन का चैप्टर अलग से सोल्व किया जाएगा। उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसमें हम अलग से बैंकिंग वाला वीडियो लेक्चर, बैंकिंग वाला फ्रैक्शन पार्ट देखेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, तो वो देखते हैं आज हम इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, एक स्टेयर केस में फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, इसे सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करने के लिए ये क्वेश्चन हमेशा नीचे से शुरू होगा। तो सबसे पहले हमें ये सोल्व करना है, एक प्लस एक बटा पाँच। देखो, अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर कभी भी किसी नंबर को वन में जोड़ना है, अगर वो नंबर फ्रैक्शन में है, तो नीचे वाला पाँच ऐसे कैसे, पाँच और एक छः, अंश और हर को जोड़ दो तो ये वन में ऐड हो जाता है। एलसीएम लोगे टाइम ख़राब होगा, इससे बढ़िया ये डायरेक्ट यूज़ करो। तो ये हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या आ रहा है, वन, तो वन अपॉन सिक्स अपॉन फाइव, तो रिजल्ट क्या आएगा, पाँच बटा छः, रेसिप्रोकल, ये आ गया। अब ये दो प्रॉपर्टी थी, ये दो प्रॉपर्टी इसमें चलेंगी, ठीक है। वन में ऐड करना है तो डिनोमिनेटर हर ऐसे कैसे ही, फिर अंश और हर को जोड़ दो। दूसरा पॉइंट, वन अपॉन आ जाए तो वन अपॉन कोई भी फ्रैक्शन आए तो मतलब उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो ये दो प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। तो अब देखो, दोबारा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब तो वन में ऐड करना है तो क्या आएगा, पाँच ऐसे कैसे, पाँच और एक छः, ये हो गया। फिर वन के अपॉन में है तो वन के अपॉन में तो रेसिप्रोकल, पाँच बटा छः, ये क्यों आया, ये आपको दोनों प्रॉपर्टियाँ एक्सप्लेन कर दी। फिर आगे वन में ऐड करना है तो छः ऐसे कैसे, छः और पाँच ग्यारह, फिर ऊपर वन आ रहा है, रेसिप्रोकल, छः बटे ग्यारह, फिर प्लस वन आ रहा है तो ग्यारह और छः सत्रह, ग्यारह और छः सत्रह बटे में ग्यारह। अब वन के अपॉन में तो नहीं आ रहा तो मतलब ये हमारा क्या हुआ, आंसर। तो ये दो प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वन में ऐड करना है चार ऐसे कैसे ही, चार और एक पाँच, ऊपर वन आ रहा है मतलब रेसिप्रोकल, चार बटे पाँच। फिर वन में ऐड करना है पाँच और चार नौ बटे पाँच, ऊपर वन आ रहा है रेसिप्रोकल, पाँच बटा नौ। फिर वन में ऐड करना है नौ बटे मैदिटी नौ और पाँच चौदह, फिर ऊपर वन आ रहा है रेसिप्रोकल, नौ बटे चौदह। फिर वन में ऐड करना है तो चौदह और नौ तेईस और बटे में चौदह ऐसे का ऐसे। तो ये हमारा आंसर। इस तरह से हम इस स्टेयर केस वाले क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ हमेशा वन आए, यहाँ टू भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन हम डिज़ाइन करते हैं, तीन प्लस दो बटे एक प्लस एक बटा चार प्लस दो बटा तीन, ऐसे आ जाए, ठीक है। और बीच में जरूरी नहीं प्लस आए, माइनस भी आ सकता है। इस तरह से सपोज करो क्वेश्चन आ जाए, तो ये नहीं इसमें बर्डन ले क्या करें। देखो सिंपल है, यहाँ से शुरू होगा, पहले ऐड करोगे चार प्लस दो बटे तीन, चार तीय बारह और दो चौदह बटे तीन, तो चौदह बटे तीन आया। ऊपर क्या है, वन, रेसिप्रोकल करना है, तीन बटे चौदह आ गया। उससे आगे क्या है, वन माइनस चौदह कम चौदह, चौदह में से तीन घटाए ग्यारह बटे चौदह। फिर ऊपर क्या है, दो, तो ऊपर दो है तो देखो दो बटे कोई बिन आएगी, रेसिप्रोकल तो करना ही करना है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, चौदह बटे ग्यारह, ऊपर दो था तो दो से गुना, अट्ठाईस बटे ग्यारह। फिर प्लस में कितना है, तीन, ग्यारह तिया तैतीस, तैतीस और अट्ठाईस कितना हो जाएगा, सिक्सटी वन अपॉन में ग्यारह, ये आंसर आ जाएगा। तो ये नहीं प्लस आ जाए माइनस आ जाए क्या करें। हाँ ये बताइए कि जब वन आ रहा है प्लस वाला तो थोड़ी कैलकुलेशन ईजी है, अगर वन के अलावा कोई और नंबर आएगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल है बस, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेयर केस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी
सबके ऊपर सेम नंबर आएगा, वन नहीं आएगा, ध्यान रखना, सेम आएगा। वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, ठीक है। और नीचे 1.5 नहीं है, ये 1 × 5 है, आगे 5 × 9 है, ठीक है। अब इनका देखो, जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डिफरेंस कितना है, 1 और 5 का 4, 4, 9 और 13 का 4, सब में 4 आ रहा है, तो ये भी हमेशा सेम आएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो एक स्टैंडर्ड अप्रोच से सॉल्व होगा। तो उसके लिए पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट देखना है, फिर मैं आपको स्टैंडर्ड अप्रोच बताऊंगा वो क्या है। तो इसका लॉजिक क्या है पहले तो वो देखते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 2/3 × 5 ये आ जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 − 1/5, ये लिखा जा सकता है, ये प्रॉपर्टी। अब मेरे माइंड में ऐसा क्या था कि मैंने डायरेक्ट इसे ऐसे लिख दिया, तो पहले हम चेक करते हैं क्या ये वाकई सही है। एलसीएम कितना आएगा, 3 × 5, यहाँ आएगा 5 − 3, 2/3 × 5, हाँ ये वाकई सही है। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, और ऊपर भी कितना आ रहा है, 2। अगर नीचे दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दिया हो और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर मिल जाए, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 1/3 − 1/5, पहले छोटा नंबर बाद में बड़ा नंबर, 1/(छोटा नंबर) 1/(बड़ा नंबर। लिखना हमेशा 1/(1)। ऊपर 2 है तो यहाँ 2 नहीं लिखना, लिखना हमेशा 1/(1)। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो अब इस प्रॉपर्टी की मदद से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, बट ऊपर तो 4 आ ही नहीं रहा, तो मैं पहले क्या करता हूं, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या कर देता हूं, डिवाइड। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/1 × 5 + 4/5 × 9 अप टू लास्ट तक चलेगा 4/17 × 21, और 4/4 का बाहर डिवाइड बाई 4 एज इट इज आएगा, ठीक है। तो 1/4 अंदर चलाएगा, नीचे वाला 4 ऐसे रहा, ये आ गया हमारा। अब देखो अब डिफरेंस कितना है, 4 का, ऊपर भी कितना आ रहा है, 4, तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं 1/4 ऐसे कैसे, इसे लिखा जा सकता है 1/1 1/1 − 1/5, ये आ गया। तो पहले छोटे वाला बाद में बड़े वाला, बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस, प्लस 1/5 − 1/9 up to 1/17 − 1/21, ये आ गया। 1/5 − 1/5 प्लस का कट गया, इसी तरह से 1/9 आगे 1/9 आएगा, जैसे 9, 9, 13, 13, 17, 17, ये आपस में कट जाएंगे सारे के सारे। तो इसमें क्या बचेगा, हमेशा फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ही बचेगा। फर्स्ट मतलब क्वेश्चन में देखो 1, लास्ट में क्या है 21, तो ये बचेगा हमेशा 1/1 माइनस आएगा 1/21 और बाहर 1/4 ऐसे का ऐसे। सोल्व करोगे 1/4 एलसीएम आया 21, 21 में से घटाया 20/21 तो कितना आएगा 5, तो आंसर आ गया 5/21, ये हमारा आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें कभी भी एलसीएम नहीं लिया जा सकता, आपको इसी प्रोसेस सॉल्व करना है। अगर ऊपर 4 होता तो मुझे 4 से 4 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। अब इसका एक शॉर्टकट देखते हैं कि एग्जाम में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब शॉर्टकट क्या, ध्यान से समझना, ऊपर आ रहा है 1 तो 1, नीचे डिफरेंस कितने का है, सब में 4 का है तो 4/2, तो दोबारा देखो ऊपर डिफरेंस क्या है, ऊपर नंबर कितना सब में 1 लिखना है, सब में डिफरेंस कितना है 4, तो 4/2 लिखना है। फिर आएगी ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट में क्या आएगा 1/1, लास्ट में क्या आएगा −1/21, ये आपका आंसर है। तो इससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी, शॉर्ट आपका। तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज अपॉन में डिफरेंस, ब्रैकेट में फर्स्ट देन माइनस देन लास्ट, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो अब पहले तो हमें फॉर्म लिखनी है, देखो 12 और 20
तो इसमें एक पॉइंट और था, देखो ये खत्म कहाँ हुआ है 5 पे, अगले वाला शुरू भी कहाँ हुआ है 5 पे, ये भी मैच होना चाहिए, तभी 1/5 से 1/5 का आंसर आउट होगा। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो नहीं दे रखा, 1/12, 1/20, तो पहले से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैं 12 को लिख रहा हूँ 3 × 4, 20 को लिख रहा हूँ 4 × 5, 30 को लिख रहा हूँ 5 × 6। तो इस तरह से देखो चल रहा है, 4 से 4, 5 से 5, आगे 6 आएगा, फिर इस तरह चलते जाएंगे। लास्ट वाला क्या है, 110, 110 को लिखोगे 10 × 11, ये आ गया। अंतर कितने का है, 1 का, सब में 1 का है, ये आ गया। अब कुछ नहीं चेक करना, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ऊपर क्या आ रहा है 1, नीचे डिफरेंस कितना आ रहा है 1, ब्रैकेट में 1/1, सबसे पहले कहाँ से शुरू है 3 से, सबसे छोटा, -1/ सबसे लास्ट कौन सा है 11, ये हमारा आंसर। एलसीएम ले लो 11 और 3 का 33, बार तो एक ही है, तो 11 - 3 आंसर आएगा 8/33, ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 56 को क्या लिखेंगे, 7 × 8, 72 को 8 × 9, देखो अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, 8 से 8 मैच हो रहा है, आगे देखो 9 × 10, वो भी मैच हो रहा है, अंतर 1 का है, और लास्ट में क्या है 240, 240 को लिखा जाएगा 15 × 16, अंतर 1 का रहा है, वही लॉजिक, 1 ऊपर क्या रहा है 1/1 में अंतर कितना आ रहा है 1, ब्रैकेट में 1/1, माइनस लास्ट 1/16, ये हमारा आंसर है। अब हमें एलसीएम लेना है, 16 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 112, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 7, 9/112, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो ऊपर 5 आ रहा सब में, देखो अब नीचे देखो 4, 4 के टुकड़े करने हैं कि आगे भी मैच होता जाए। 4 के टुकड़े मैंने लिखे 1 × 4, 2 × 2, अब 2 × 2 का अंतर कितना है 0, तो मतलब ये तो कभी लिखा नहीं जाएगा, ऊपर 0 थोड़ी आएगी, तो इसे तो छोड़ दो, मतलब यही बनेगा फैक्टर। अब अंतर कितने का आ रहा है 3 का, तो आगे भी अंतर 3 का आना चाहिए, 28 के फैक्टर करेंगे, 4 तो आएगा, बताया था जहाँ से खत्म है वहीं से शुरू होगा, 4 × 7, अंतर कितने का आ रहा है 3 का, 70 के लिए 7, फिर क्या आएगा 10, अंतर 3 का, 130 के लिए 10 × 13, अंतर कितने का है 3 का, ये मैच हो रहा है, तो ये हमेशा मैच होगा। तो ऊपर वाला नंबर 5, डिफरेंस कितना है 3, ब्रैकेट में 1/1, ये रहा 1, लास्ट 13, 1/13, तो ये हमारा आंसर आ गया। बाहर 5/3, एलसीएम आएगा 13, 13 - 1, 13 में से 1 घटाए 12, 3 चौके 12, 5 चौका 20/13, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको जो लॉजिक है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। रीजन आपको पहले क्वेश्चन में बता ही दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, यू लॉजिक आपका कवर हो गया। अब इस तरह से काफ़ी सारे नंबर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, तो आपको प्रत्येक ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहली ब्रैकेट को 3 × 3 में से 1 घटाया 2/3, बीच में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, गुना में 4 × 4, 4 में से 1 घटाया 3/4, 5 × 5, 5 में से 1 घटाया 4/5, इस तरह सोल्व करना है। n × n, n में से 1 घटाया तो n − 1/n, ये आ गया। अब देखो 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, अब देखो कैंसिल आउट का पैटर्न देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, और कई बार कैंसिल आउट का पैटर्न ऊपर से नीचे भी आएगा, तो इस तरह से चलता जाएगा कैंसिल आउट का पैटर्न। तो बचा क्या, 1 में 2, लास्ट में क्या बचा n, तो हमारा आंसर आया 2/n, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में आ जाए, बताया नहीं कितने नंबर हैं, तो n नंबर हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रत्येक ब्रैकेट को सोल्व करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये थे कुछ फ्रैक्शंस के जो रेलवे कॉन्स्टेबल वाले जो एग्ज़ाम्स हैं SSC के, उनमें मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे, ये आपका जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट चल रहा है ये रेलवे SSC के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही,
अब मोहिस्टर क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में लिखें मोहिस्टर क्लासेस, फिर ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी। इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। आने वाले टाइम में इस पर आपको ऑनलाइन क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर्स और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, आपको सब कुछ इस पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जो भी आपके डाउट्स हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कमेंट में भी लिख सकते हो। थैंक यू।